जी हमारे साथ मौजूद हैं तैयब अब्बास, जिन्होंने जो है वो ज़ेन मैफ्रो जिम्बाब्वे में होने वाले T10 मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इन्होंने अपनी बॉलिंग का जो लोहा है वो मनवाया है। हमारे साथ जो हैं वो तैयब अब्बास मौजूद हैं। तैयब अब्बास क्या कहते हैं इस बारे में, हम उनसे ही बात करते हैं। तैयब कैसे आपने वहाँ पर जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कैसे लोहा मनवाया और आज जब आप वापस आएंगे, वापस जब आएँ तो इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। हमारे साथ इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं जिनकी मेहनत जो है वो रंग ले आई और आज तैयब जो हैं वो इस मकाम पर। तैयब क्या है? मैं इसके बारे में यही कह जाता हूँ कि जाहिर सी बात है मेरा टूर्नामेंट पहला डेब्यू मैच था, पहला टूर्नामेंट था। उसके बाद मतलब मैं जब मतलब इधर घर से निकला हूँ, वालदैन से दुआवा लेकर निकला हूँ और उसके बाद वहाँ पर जब पहुँचा हूँ उसके बाद मैंने देखा जो प्लेयर खेल रहे थे, लोगों की ख्वाहिश होती है भाई इनके साथ खेलने की, इनके साथ बैठने उठने की, मैं उनके साथ खेल रहा था, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और लाहौर कलंदर की तरफ से जो मुझे गाइड किया। जंग में पहले जब मैं इधर मतलब टेप बॉल खेला करता था, मेरा क्लब था शालीमार लाइंस, शालीमार टाइगर, मेरा क्लब था शालीमार टाइगर। उसके बाद मतलब शेख निवाज साहब हैं वो मुझे सपोर्ट किया करते थे। मुश्किलात पहले तो मैं मतलब साथ साथ में टेप बॉल खेलता रहा और शेख निवाज साहब के क्लब में मतलब खेलता रहा। उसके बाद मतलब मैं मेरे साथ में वेल्डिंग की दुकान थी उसका फैक्ट्री में, मैं वहाँ पर भी काम करता रहा। जब मैंने सुना था कि ट्रायल हो रहे हैं लाहौर कलंदर के, उस वक्त मैं उसका फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसका फैक्ट्री मैं वहाँ पर गया, मैंने ट्रायल दी और वहाँ पर सेलेक्ट हुआ। जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो उसके बाद उसका वाला ने मुझे सपोर्ट किया, शेख निवाज साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मेरे घर के जो बात है। जब मैं इधर T10 खेला हूँ जिम्बाब्वे में, उसके बाद उधर अच्छे परफॉर्म मैंने किया है तो मेरा आगे के वाला गोल टारगेट यही है कि मैं इंशाल्लाह PSL खेलूँ और PSL में परफॉर्म करूँ, परफॉर्म करके उसके बाद मैं पाकिस्तान खेलूँ, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलूँ और परफॉर्म करता रहूँ। अच्छा, ये मुझे बताया कौन सा कोच जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करते हैं वो आके भाई हैं और सिद्धार्थ भाट फील्डिंग कोच है, क्योंकि उन्होंने मतलब थोड़ी सी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग देखी थी मतलब फील्डिंग में, उन्होंने उसके बाद मुझे मतलब फील्डिंग की बहुत ज़्यादा तैयारी कराई। और सर आकेब हैं वो मुझे बॉलिंग की तैयारी कराते रहते हैं, जब भी आते हैं मुझे कहते हैं आप इस तरह बॉलिंग करो, इस तरह करो। वो मुझे तथाई तौर पर कैसे बचपन से कैसे लगाव हुआ कि मैं क्रिकेट है वो मैं क्रिकेट खेलने में आपका लगाव कैसे हुआ? और फिर मैंने सुना है कि आप जो घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मैं उस वक्त मतलब कि जब अपने वालिद के साथ इधर समोसे का जलेबी का काम किया करता था, उसके बाद मतलब मैं उधर दुकान में ही मतलब बॉलिंग तीन तीन घंटे चार चार घंटे बॉलिंग करता रहता था। उसके बाद लोग मुझे मतलब कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, तो लेकिन उसके बाद जब मैं इधर आया, सिलेक्ट हुआ, इतना परफॉर्म किया, वही लोग मुझे अब कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे। बताता हूँ कि हमारे एक UAE की तरफ से ग़ुलाम शबीर मलिक खेले हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि तैयब अब्बास जो है वो हमारे जंग क्रिकेट के लिए एक आप कह लें कि ये दरवाज़ा ऐसा खुला है कि इंशाल्लाह इसको देखकर ये हमारी ज़ाहिर गलियों का, हमारे रूरल एरियाज़ का बच्चा इसको जानता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। इसी की वजह से इंशाल्लाह हमारे प्लेयर जो है वो भी आएंगे और जब ये अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शो करेंगे कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए या नेशनल लेवल के लिए, तो वो जो कंपटीशन है वही अब हमारा जो जंग में बढ़ेगा आगे लेके जाते हैं। उमर से मेरा मुताबिक है और उनसे कोई गिला भी नहीं है, जाहिर सी बात है जो मेहनत करता है ना उसको हमें करना ही नहीं चाहिए। जो मेहनत होती है इंसान की, जो टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं बोल जाता है, जो मेहनत की हुई होती है आपने अच्छा के साथ
साथ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तवील हो जाएगी और इतना लोगों को देखने में भी मसला होता है, यहाँ में वक्त कम है तो इसमें यहाँ पर बात करेंगे उन सियासी समाजी शख्सियात को के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शाह साहब होंगे, तारिक शाह साहब, तारिक गिलानी साहब को कोई जंग में शायद कोई होगा जो नहीं उन्हें जानता होगा, हर शख्स उन्हें जानता भी है, और हम यहाँ पर जो हैं वो उनसे बात करेंगे, वो भी हमारे साथ जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जो है वक्त निकाला रात के इस वक्त, वो यहाँ पे उन जो है वो इस्तकबाल के लिए पहुँचे हैं, और अभी यहाँ पे जो है वो कोई भी सियासतदान नहीं पहुँचा तैयब के इस्तकबाल के लिए, और ये फौरी तौर पर यहाँ पहुँच हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने तैयब का इस्तकबाल किया, भरपूर अंदाज से किया है, और मोटरवे से उतरते जो है इस्तकबाल जो है वो करना शुरू किया था, नौजवान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं कि जंग का नाम इन्होंने जो है वो रोशन किया है। ठीक ठाक हैं जी क्लाइंट साहब, आप यहाँ पर पहुँचे हैं तैयब के लिए रात का इस वक्त, और आप मुझे बताएं कि अगर हमारे यहाँ इसी तरह स्पोर्ट्स पर तवज्जो दी जाए तो बहुत सारा टैलेंट है जो जंग में छुपा हुआ है, उसको कैसे निकाला जा सकता है? इसमें जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें फ़ख्र है तैयब अब्बास पे कि उसने हमारे जंग का नाम रोशन किया है, और मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि मैं सियासतदान से पहले मैं क्रिकेटर हूँ, तो बड़ी खुशी होती है कि जंग का कोई नाम रोशन करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन जो है जितनी भी साबका हैं या मौजूदा है, हम हमेशा ऐसे लड़कों को बैकअप करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट से एक मुतालबा है कि जो ग्राउंड्स की कमी है ना जी, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स की कमी हर जगह पे है, बिलखसूस जंग में हमारे पास ऐसे ग्राउंड्स नहीं हैं, और बहुत टैलेंट है, अगर टैलेंट हंट के प्रॉपर प्रोग्राम्स किए जाएँ और बच्चों को ग्राउंड्स दिए जाएँ तो मेरे ख्याल में हम जंग से बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में दे सकते हैं। सिर्फ तवज्जो की, और थोड़ी सी अगर ऐसे जो नौजवान हैं उन्हें थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए तो ये आलमी सतह पर इसी तरह से जो है जिस तरह इन्होंने आलमी सतह पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मज़ीद जो है ये इसी तरह तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।